नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत ऐसी है, अब बदमाश लुटेरे को पुलिस का कोई डर नजर नहीं लगता। हालात ऐसे बन चुके हैं, बच्चे अपने स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी स्कूल के अंदर जाकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, पुलिस जाँच करती रहती है। ऐसा ही एक मामला तलवंडी साबो में एक निजी स्कूल की छात्रा पर तेज धार हथियारों से हमला करने का मामला सामने आया है। छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घायल छात्रा को तलवंडी साबो के शहीद बाबा दीप सिंह सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आइए सुनते हैं SHO जगदीश कुमार को। अंचल सोटी नाम की लड़की थी, टैगोर पब्लिक स्कूल नौवीं क्लास की विद्यार्थी थी। इन्हों जसवीर सिंह नाम का लड़का थी, जो तंग परेशान करता था। अजय शायद क्लास सवेरे 7 बजे स्कूल च लगी हुई, 7:30 बजे वो आया तरखान नाले के महा के उत्ते सट्टा मार दी। ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੇ ਸਾਥ ਯੁਵਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਤਿਵਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।